हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो जैसा कि आप सब जानते ही, अब बैकलेस के पेपर व्यू को होने में कुछ ही घंटे बचे हैं एंड इस साल का बैकलेस का पेपर व्यू सच में काफी ज्यादा शॉकिंग होने वाला है। एंड गाइस, बैकलेस के पेपर व्यू के सारे मैचेस के प्रेडिक्शन क्या कुछ है मेरे, वो मैंने आप सबको पहले ही बता दिया, जिसके लिंक आप सबको ऊपर आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल ही जाएगी। लेकिन आप सबको पता ही है, किसी पेपर व्यू के एंड मौके पर जो बैटिंग ऑड्स रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम रिजल्ट्स रहते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि आखिरकार बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग बैकलेस के पेपर व्यू में हमें कौन कौन विनर बनते हुए दिख सकता है। एंड गाइस, सच में रिजल्ट काफी ज्यादा शॉकिंग है। तो सबसे पहला मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो होगा मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस मिज एंड मॉरिसन के बीच। तो इस मैच में बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग जीत होने वाली है ब्रॉन स्ट्रोमन की, यानी कि वो अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे और मिज एंड मॉरिसन को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलने वाला है वो होगा रॉ में चैंपियनशिप का मैच नाया जैक्स वर्सेस आस्का के बीच। तो यहाँ पर बैटिंग ऑड्स में आस्का आगे है नाया जैक्स से, यानी कि बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जीत होने वाली है आस्का की और वो रिटेन कर लेगी अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। इसके अलावा जो हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलने वाला है वो होगा एक सिंगल्स मैच जेफ हार्डी वर्सेस सेमस के बीच। अब भले ही ये मैच कोई भी चैंपियनशिप के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, WWE इन्हें इस मैच के लिए हाइप अच्छी खासी क्रिएट कर दी है, जिसकी वजह से हम सभी इस मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। अब हम सब पहले से कंफ्यूज थे कि आखिरकार इस मैच में किसकी जीत होने वाली है, और बैटिंग ऑड्स ने हमें काफी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया क्योंकि दोनों बैटिंग ऑड्स में इक्वल है, यानी कि दोनों के -140 पर है। और कह सकते हैं ये मैच काफी ज्यादा शॉकिंग होने वाला है क्योंकि किसी को नहीं पता कि यहाँ पर जीत कौन सकता है, क्योंकि दोनों सुपरस्टार के जीतने के इक्वली चांसेस है। वैसे आपको क्या लगता है इस मैच में किसकी जीत होगी, वो नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलने वाला यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए अपोलो क्रूज वर्सेस अंड्राडे के बीच। अब इस मैच का विनर चुनना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि दोनों सुपरस्टार के जीतने के बराबरी के चांसेस है। वैसे कंफ्यूज मत होना क्योंकि इस बार बैटिंग ऑड्स इक्वल नहीं है, क्योंकि यहां पर बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग अपोलो क्रूज हराने वाले हैं अंड्राडे को एंड वो रिटेन कर लेंगे अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच साशा बैंक्स एंड बेली वर्सेस एलेक्सा ब्लिस एंड निकी क्रॉस वर्सेस दी आइकॉनिक्स के बीच। अब यहां पर बैटिंग ऑड्स में सबसे आगे है साशा बैंक्स एंड बेली, उसके बाद नाम आता है एलेक्सा ब्लिस एंड निकी क्रॉस का एंड सबसे कम चांसेस है आइकॉनिक्स का, यानी कि बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग साशा बैंक्स एंड बेली अपनी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन करने वाली है। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलने वाला है वो होगा WWE चैंपियनशिप के लिए स्कॉटी साइकोपैथ ड्रू मैकएंटायर वर्सेस ऑलमाइटी बॉबी लेस्ली के बीच। अब इस मैच को लेकर मेरे पास आप सबको बताने के लिए दो चीजें हैं, पहला तो है बैटिंग ऑड्स एंड दूसरा इस मैच से जुड़ा एक स्पॉइलर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैटिंग ऑड्स के बारे में। तो एज एक्सपेक्टेड यहां पर ड्रू मैकएंटायर हराने वाले हैं बॉबी लेस्ली को एंड वो रिटेन कर लेंगे अपनी WWE चैंपियनशिप। और इस मैच से जुड़ा जो एक स्पॉइलर आया वो ये है कि MVP को मैनेजर के रूप में पॉल हेमन ने इसलिए चुना बॉबी लेस्ली के लिए ताकि जब बॉबी लेस्ली चैंपियन बने देन वो देखने में एक सच में डोमिनेटिंग चैंपियन लगे। बट हम सब जानते हैं पॉल हेमन को WWE ने फायर कर दिया उनके एग्जीक्यूटिव रोल से, जो कि वो रॉ में प्ले करते थे, इसलिए अब पॉल हेमन के हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं है और ब्रूस पिचर्ड कई सारे डिसीजन में चेंजेस करने वाले, इसलिए क्या पता बॉबी लेस्ली हमें WWE चैंपियन बनते हुए दिख जाए अगर MVP को उनके साथ लाया गया है। और मैंने आप सबको पहले ही बताया, अगर बॉबी लेस्ली यहां पर चैंपियन बनते हैं देन उसके पीछे बस एक ही रीजन होगा और वो है समर स्लैम में बॉबी लेस्ली वर्सेस ब्रॉक लेसनर का ड्रीम मैच करवाना। लेकिन आज जैसा कि मैंने कहा, बैटिंग ऑड्स और मेरे अकॉर्डिंग भी यहां पर ड्रू मैकएंटायर अपनी चैंपियनशिप रिटेन करने वाले एंड उन्हें करनी भी चाहिए। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट एंड लास्ट मैच के बारे में, जिसे WWE एडवर्टाइज कर रही है दी ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर रेटेड आर सुपरस्टार एज वर्सेस दी वाइपर रैंडी ऑर्टन के बीच। तो इस मैच से जुड़ा स्पॉइलर एंड बैटिंग ऑड्स दोनों है मेरे पास। तो सबसे पहले बैटिंग ऑड्स के बारे में बात कर लेते हैं। बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग यहां पर रैंडी ऑर्टन हराने वाले हैं एज को और वो जीत जाएंगे इस मैच को। एंड बात की जाए स्पॉइलर की, तो ये मैच लगभग WWE ने 30 से 35 मिनट का किया है और हो सकता है उसे WWE कट कर थोड़ी टाइमिंग कम कर 25 से 30 मिनट तक कर दे। लेकिन अगर ये मैच हमें लंबा चलते हुए दिखने वाला है तो क्या पता हमें ये एक काफी जबरदस्त मैच भी बनते हुए दिख जाए, यानी कि दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से फिनिशर्स पर किक आउट होते हुए दिखे और ये मैच ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर तो नहीं बन सकता, बट हां उसके आसपास जरूर पहुंच सकता है और एक बेस्ट मैच जरूर साबित हो सकता है। लेकिन गाइस, आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना कि आप बैकलैश के किस मैच के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है एंड बॉबी लेस्ली वर्सेस ड्रू मैकएंटायर और एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच में किसकी जीत हो सकती है, वो नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।